फटा 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत तक अब नए अंदाज में। चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग जब से सत्ता में आए हैं तब से चीन का एक ही मकसद है, किसी न किसी देश में घुसपैठ करना। ऐसे में युद्ध का डर होना तो लाजमी है और सी जिनपिंग को यही डर सता रहा है, और इसीलिए अब सी जिनपिंग ने एक नया आदेश जारी कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने युद्धों को लड़ने और जीतने में सक्षम एक विशिष्ट बल बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण के लिहाज से उनके जुटने के लिए नया आदेश जारी किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या चीन के राष्ट्रपति को सच में युद्ध का डर लग रहा है और क्यों आया जिनपिंग का ये आदेश? दरअसल चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की ओर से बताया गया कि सी जिनपिंग ने सेना के लिए इस साल का आदेश जारी किया है और कहा है कि सशस्त्र बलों को प्रौद्योगिकी युद्धक तकनीकों के साथ ही प्रतिद्वंदियों पर करीब से नजर रखनी चाहिए, अपने प्रयास दोहरे करते हुए प्रशिक्षण और लड़ाकू अभियानों के साथ तालमेल करना चाहिए, सेना को क्रमबद्ध प्रशिक्षण को मजबूत करना चाहिए तथा एक विशिष्ट बल के विकास के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना चाहिए जो युद्ध को लड़ने और जीतने में सक्षम हो। सी जिनपिंग ने पद संभालते ही अपनी सेना में सुधारों और टेक्नोलॉजी को लगातार अपग्रेड के साथ वास्तविक समय में प्रशिक्षण को प्रायोरिटी दी है, और चीन नए साल के शुरुआत में ही अपनी पहुंच को हिंद महासागर और अफ्रीका में बढ़ाने की कोशिश में जुट गया है। लेकिन अब भारत भी चीन से पीछे नहीं है और भारत भी दूसरी तरफ चीन को झटके पे झटका दिए जा रहा है और अफ्रीकी देश में अपनी जड़ को मजबूत कर रहा है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसी हफ्ते चीनी विदेश मंत्री वांग यी पश्चिम हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित कोमोरोस की यात्रा करने जा रहे हैं, और इसी के जवाब में एक भारतीय नौसैनिक जहाज भी उसी वक्त कोमोरोस में डॉक होगा। तो वहीं चीन के थिंक टैंक ग्रीन BRI ने बताया कि साल 2013 में BRI परियोजना की शुरुआत के बाद पिछले साल इसमें निवेश सबसे कम स्तर पर रहा। ये थिंक टैंक बुनियादी ढांचों को लेकर वैश्विक पहलों का विश्लेषण करता है। परियोजना के 138 हिस्सेदार देशों में निवेश में 2019 के बाद 54% यानी $47 अरब की कमी आई है। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन को इस वक्त एक से बढ़कर एक झटका लगने जा रहा है, और इसके पीछे की वजह है वो भी एक ही है, उसका दूसरे देशों की जमीन पर गंदी नजर रखना। और अब सी जिनपिंग ने जो PLA के लिए जारी किया है नया आदेश, वो इसी की वजह से है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।